बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों का सदक़े से इलाज किया करो, और फरमाया कि सदक़ा बलाओं को टाल देता है। जहां बीमारों के इलाज के बहुत से तरीक़े हैं, वहीं एक तरीक़ा सदक़ा व खैरात करने का है। इसकी बरकत से भी अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है। जो बलाएं मौजूद हैं इसकी बरकत से वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो अभी तक नहीं आई वो भी इस अमल की बरकत से टाल दी जाती हैं। तो ये इतना मुबारक अमल है। मैंने पहले आप हज़रात से अपील की थी कि लॉकडाउन में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, जो हज़रात रोज़ाना मजदूरी किया करते थे, कमाते थे, खाते थे, अब उन हज़रात का काम बंद हो गया, वो लोग कहाँ से खाएंगे, उनका इंतज़ाम कैसे होगा। ऐसे में उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जिनको अल्लाह ने दिया है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। वो जिस तरीके से खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने पड़ोसियों को भी खिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस अपील पर कुछ नौजवान दोस्तों ने तवज्जो दी और अपनी पॉकेट मनी से, अपने जेब खर्चे से कुछ निकाला और उन गरीब लोगों के लिए इंतज़ाम किया और उन तक रोज़ाना की ज़रूरत का सामान पहुंचाया। आइए आप हज़रात को भी दिखाते हैं। तो आप हजरात ने देखा कि हमारे इन नौजवान साथियों ने कैसे गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए इंतज़ाम किया। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, और मज़ीद अल्लाह इस किस्म की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए, और हर तरह की मुसीबतों से, आफतों से, बलाओं से अल्लाह इन हजरात की, इन साथियों की हिफाजत फरमाए। आखिर में आप हजरात से अपील है कि आप हजरात भी जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ अपने आसपास ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें और उन तक ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाएँ। अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाएँ।